हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रभा आज लेके आई हूँ सूजी यानी रवा का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें रवा हलवा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। मैंने यहाँ लिया 1 कटोरी सूजी, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा देशी घी, 1 कटोरी चीनी, और जितना हम सूजी लेते हैं उसका 3 गुना पानी लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन का कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोटे टुकड़ों में काटा है काजू बादाम, और गार्निशिंग के लिए पतले पतले स्लाइसेस में यहाँ पे कट किया है काजू बादाम, 1 हरी इलायची, और कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको आप महीन ही ग्रेट करें इस तरीके से। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। पैन को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, वरना हम जैसे ही रवा डालेंगे वो तुरंत बहुत जल्दी लाल होने लगेगा। तो इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी रवा मतलब सूजी, घी आधी कटोरी से ज्यादा है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे आपका रवा बहुत जल्दी लाल हो जाएगा और अच्छे से भून नहीं पाएगा, उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमारे रवे की आप देख सकते हैं रवा और घी मिक्स होकर इस तरीके से होना चाहिए कि पूरा रवा जो है वो घी में भीग जाए, बट बहुत एक्सेस घी डालने की नीड नहीं होती है क्योंकि वो फिर बाद में घी छोड़ने लगता है। मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा घी लिया था, जिसमें करीब 2 से 3 चम्मच घी मैंने बचा लिया है। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पे, इसको धीमी आंच पे हम इसको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। रवा को हमें बराबर चलाते हुए भुनना होता है, आप इसको छोड़े ना, वरना एकदम से लाल हो जाएगा, बट बहुत अच्छे से जो भुने का टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो इसको बराबर चलाते हुए हम भुनेंगे। जब तक रवा को हम भून रहे हैं तब तक हम इलायची कूट लेते हैं। इलायची को इसमें डालेंगे, सिर्फ इलायची को आप कूटेंगे तो अच्छे से क्रश नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डाल दूंगी, अब इसे मैं क्रश कर दूंगी इस तरीके से। इसको इस तरीके से हम चीनी के साथ करेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इलायची हमारी चीनी के साथ अच्छे से पिस गई है। इसके छिलकों को हम अलग कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसे मैंने धीमी आंच पे भूनते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया। देखिए ये कलर, इसका गोल्डन कलर आ गया है। इसमें आप कलर इसका हल्का लाइट या डार्क जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने पसंद के हिसाब से, बट बहुत व्हाइट ना बनाए, वो अच्छा नहीं लगता है। और घी भी जो है बहुत लोग बराबर डालते हैं, जितना रवा उतना घी, बट वो एक्सेस होता है। उतना घी डालें जितना आपका भुनने के लिए जरूरी है। जितना रवा लिया है उसका आधा या उससे 1-2 चम्मच ज्यादा आप घी कर सकते हैं बस। जितना रवा है उतना ही हम चीनी यूज करते हैं, शुगर, और उसका 3 गुना हम पानी लेते हैं। मेजरमेंट हम सेम बोल से करेंगे, मैंने इससे किया है। रवा हमारा भुन चुका है, कलर इसमें अच्छा आ चुका है, फ्लेम हमारा लो है। इसमें मैं डालूंगी शुगर, 1 बोल शुगर, और तुरंत मैं डाल दूंगी इसमें इसका 3 गुना पानी। फ्लेम को अब मैं हाई कर लूंगी। जब हम घी अच्छे से डालते हैं तो इसमें कोई लम्स नहीं आता है, आप देख सकते हैं कोई लम्स नहीं है। और इसका कलर भी आप देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है। इसे हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में बना रहे हैं हलवा तो रवे का 3 गुना पानी से थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में जब हम बनाते हैं तो उसमें काफी अच्छे से वो पक जाता है कम पानी में भी। तो अगर आप जस्ट सपोज कि अगर आप 2 कटोरी रवा ले रहे हैं बड़ी कटोरी से, तो उसमें 6 कटोरी पानी पड़ना चाहिए, लेकिन आप 5 ही कटोरी डालें। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए, मोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप इसमें अपने मन के कोई भी ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू, पिस्ता डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ काजू बादाम और इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर। इसमें मैं डालूंगी, फ्लेम को हम लो कर लेंगे, इलायची पाउडर, ये कटे हुए काजू बादाम मोटे कटे हुए, थोड़ी सी नारियल यहां मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए।
अब फ्लेम हम हाई कर लेंगे। जब आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सही से पका है कि नहीं। ऐसे हल्का से देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है रवा आपका, टाइट नहीं है, टाइट भी नहीं होना चाहिए और पानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। हलवा ने देखिए कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये भुन चुका है अच्छे से। बहुत ज्यादा अगर आप इसको भुनेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, ठंडा होने के बाद भुरभुरा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसी कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। जब ये ऐसे इस तरीके से देखिए पेंदी छोड़ रहा है बहुत अच्छे से, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, वैसे प्लेट में सर्व करते हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। हलवे को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसकी गार्निशिंग हम करेंगे ग्रेटेड नारियल से। नारियल महीन ही आप ग्रेट करें, बहुत मोटा मोटा नहीं अच्छा लगता है और बाकी आपकी चॉइस है। इसमें लंबे कटे हुए ये हम काजू बादाम डालेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा रवा हलवा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।